नमस्कार दोस्तों, आज अपने राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत यदि अपने बात करें तो राजवंशों की यदि अपने बात करें तो प्रारंभिक में बाटनेर के अंदर बाटी और बाटी राजवंश, यहाँ से बढ़ता हुआ लोधरवा तनोट होता हुआ जैसलमेर तक वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद में यदि अपने प्रारंभिक राजवंशों की बात करें तो ये जो क्षेत्र था इसमें मेवाड़ के गुहिल और इस क्षेत्र की यदि अपने बात करें या मंडोर को अपने साथ रख के चलें तो यहाँ पे जो थे वो थे गुर्जर प्रतिहार और सांबर का जो क्षेत्र है, इस सांबर के क्षेत्र के अंतर्गत चाहमान यानी कि चौहान। तो यदि अपने दिल्ली संतरत के समकालीन बात करते हैं तो चौहान, गुज्जर प्रतिहार और गुहिल। इसके बाद में जब चौहानों का इस क्षेत्र से पतन हो जाता है तो यहाँ पे कछवाहा राजवंश और ये जो क्षेत्र है जिसको मारवाड़ बोला जाता है, यहाँ पे राठौड़। उसके बाद में मध्यकाल तक पहुँचते राठौड़ जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, बीकानेर और जोधपुर। तो अपने क्या कहते हैं, मारवाड़ के राठौड़, तो जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़। तो मूल रूप से यदि अपने बड़े बड़े राजवंशों की राजस्थान में बात करते हैं तो गुहिल, गुज्जर प्रतिहार, बाटी, राठौड़, कछवा और चौहान। इन्हीं राजवंशों में मैं सबसे पहला जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है चौहान राजवंश। तो आज अपने चौहान राजवंश की बात है वो करेंगे कि चौहान जो थे उनका किस प्रकार से उद्भव हुआ, किस प्रकार से उन्होंने अपने गौरवशाली इतिहास की जो रचना है वो की। तो चौहानों की अपने बात करते हैं। चौहान राजवंश देखिए, प्रारंभिक राज्य की जहाँ तक बात है चौहानों की, तो प्रारंभिक राज्य यानी कि कह सकते हैं मूल निवास स्थान। तो मूल जो निवास स्थान था चौहानों का वो था सांबर, साकंबरी या इसी भाग को कहते हैं स्पाद लक्ष। यदि अपने इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी थी अहिछत्रपुर जो नागौर के क्षेत्र के अंतर्गत। अब अपनी बात करते हैं कि जो चौहान वंश था इस वंश की स्थापना किसने की। तो स्थापना है वो वासुदेव चौहान करते हैं। कौन करते हैं? वासुदेव चौहान। कब कर देते हैं? 551 ईस्वी में। 500 से लेकर 600 का जो काल रहता है वो राजपूतों की उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो प्रारंभिक जो राजपूत वंश थे, बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे, धीरे धीरे करके ये साम्राज्य हैं वो बड़े होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो चौहानों की जो कुल देवी हैं उसकी अपने बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक राजवंश में
कुल देवी या कुल देवता उसकी अपनी बात करेंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ भी चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। अब देखिएगा, शाकंभरी जो माता है वो मध्यकाल की सबसे प्राचीन देवी है, यानी कि अपने जो देवियां पढ़ते हैं दुर्गा माता या लक्ष्मी माता, संतोषी माता, वो सभी पौराणिक देवियां हैं। ये मध्यकाल की सबसे प्राचीन देवी है, सबसे प्राचीन देवी, सबसे प्राचीन देवी। सबसे प्राचीन देवी होने के कारण इसको तीर्थों की नानी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी। और इनका जो मंदिर है उसको देवयानी तीर्थ कहते हैं, मंदिर को देवयानी तीर्थ कहते हैं, देवयानी तीर्थ। जब भयंकर अकाल पड़ा था तो माता ने अपने चमत्कार दिखाए थे यहाँ पर, और इसी कारण इनकी इस क्षेत्र के अंदर बड़ी ही प्रसिद्धि है। अब ये तो होगी चौहान वंश की बात, मूल निवास स्थान सांबरिया, शाकंभरिया, पादलक्ष, अहिछत्रपुर, राजधानी वासुदेव चौहान जो है वो यहाँ इसके संस्थापक 551 में स्थापना कर देते हैं। कुल देवी शाकंभरी माता सबसे प्राचीन देवी है मध्यकाल की, इसीलिए इनको तीर्थों की नानी कहते हैं, मंदिर को देवयानी तीर्थ भी कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद में प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो ये होता है कि चौहान जो राजवंश था वो कहाँ कहाँ था, और इस राजवंश में जिन जिन स्थानों पर ये था वहाँ पर संस्थापक कौन था। तो आज अपने इसी की बात करेंगे भी कहाँ कहाँ इनका राज्य फैला हुआ था। तो जैसे कि अपने बात कर चुके हैं मूल शाखा यानी कि प्रारंभिक राज्य, तो प्रारंभिक जो राज्य था वो शाकंभरी, शाकंभरी या स्पादलक्ष या सांबर, या सांबर। अब देखिएगा, यहां से चौहान है वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, यहां से इनके दो पार्ट हो जाते हैं, यानी कि दो अन्यत्र स्थानों पर ये गमन कर जाते हैं। पहला जो स्थान रहता है वो रहता है नाडोल पाली, नाडोल पाली के अंतर्गत। और दूसरा जो स्थान रहता है वो रहता है अजमेर, अजमेर। अब देखिएगा कि नाडोल जो पाली है यहां चौहान वंश की स्थापना कौन करता है, स्थापना लक्ष्मण चौहान, कौन कर देता है? लक्ष्मण चौहान, लक्ष्मण चौहान। और अजमेर की यदि मैं बात करूं तो अजमेर में स्थापना, अजमेर में स्थापना अजय राज करता है, कौन करता है? अजय राज करता है, अजमेर अजय राज, लक्ष्मण चौहान। अब देखिएगा, आपने इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पहला जो पार्ट है उससे आगे तीन स्थानों पर चौहान जाते हैं, जबकि दूसरा जो अपना पार्ट है उससे मात्र एक ही स्थान पर चौहान जाते हैं। तो नाडोल जो पाली है यहां से वो तीन स्थान कौन से हैं जहां पे चौहान जाते हैं, वो तीन स्थान, उन तीन स्थानों की अपने सर्वप्रथम बात करेंगे कि वो तीन स्थान कौन से हैं। तो देखिएगा, पहला जो स्थान है वो है जालोर, जालोर। दूसरा जो स्थान है वो स्थान है सिवाणा बाड़मेर, सिवाणा बाड़मेर। और तीसरा जो स्थान है वो है बूंदी, बूंदी।
ठीक है, पहले से तीन, जालोर, सिवाना और बूंदी। जालोर, सिवाना और बूंदी। अब देखिएगा कि जालोर में स्थापना किसने की, जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने, कीर्तिपाल, उपाधि कीट्टू, एक महान शासक मोहनौत नैणसी द्वारा। बात करें अपने सिवाना की, तो सिवाना से अपने को जानकारी नहीं मिलती है, जानकारी नहीं है। सिवाना में चौहान वंश था, लेकिन स्थापना किसने की इसकी कोई जानकारी अपने को नहीं मिलती है। बूंदी की यदि मैं बात करूं तो देवा या देव सिंह, देवा या देव सिंह, देवा या देव सिंह। अब देखिएगा कि जालोर के जो चौहान हैं उनको सोनगरा चौहान कहते हैं, सोनगरा चौहान कहते हैं, और बूंदी के जो चौहान हैं उनको हाड़ा चौहान कहते हैं, हाड़ा चौहान कहते हैं, हाड़ा चौहान कहते हैं। अब देखिएगा इसके बाद में दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, और यहां मैंने आपको बताया कि यहां से मात्र और मात्र एक ही केवल पार्ट होता है, और वो पार्ट कहाँ होता है, वो होता है रणथंबोर। कहाँ पे? रणथंबोर। वो रणथंबोर में स्थापना गोविंद राज ने की, गोविंद राज, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र। जब त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हो जाती है, तो पृथ्वीराज का पुत्र गोविंद राज मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और उसे रणथंबोर की जागीर मिलती है। अब देखिएगा पहला जो पार्ट है उसके तीन आगे भाग हो गए। अब आपने ये ध्यान रखना है, सिवाना से कोई जानकारी नहीं है, इसको छोड़ देना है। आगे जालोर और बूंदी से एक एक भाग आपके पास और हो रहा है, जालोर और बूंदी से एक भाग और हो रहा है। तो जालोर से कहां पर? जालोर से सिरोही, जालोर से सिरोही, और सिरोही के जो चौहान हैं उन्हें देवड़ा चौहान कहते हैं, उन्हें देवड़ा चौहान कहते हैं। और सिरोही में चौहान वंश की जो स्थापना है, वो लुम्बा ने की। किसने की? लुम्बा ने। बूंदी से जो एक भाग और होता है वो होता है कोटा, और कोटा के अंतर्गत चौहान वंश की जो स्थापना है वो माधो सिंह ने की, माधो सिंह। और कोटा और बूंदी के जो चौहान हैं वो क्या कहलाते हैं? हाड़ा चौहान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाड़ा चौहान कहलाते हैं। अब देखिएगा इस चार्ट को यदि आप अच्छे से याद रखते हो तो प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बेसिक में से एक प्रश्न जरूर आता है। मूल शाखा शाकंभरी स्पादलक्ष जो यहां पर संस्थापक है वो कौन है? संस्थापक कह लीजिए आप, संस्थापक वासुदेव, वासुदेव चौहान। ठीक है, इसके बाद में आपने ध्यान रखना है कि मूल शाखा से दो भाग कहाँ? नाडोल और अजमेर। नाडोल में स्थापना किसके द्वारा? लक्ष्मण चौहान के द्वारा। अजमेर में स्थापना किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा। गढ़बीठली का निर्माण करवाता। फिर नाडोल से तीन भाग कहाँ कहाँ पे? जालोर, सिवाना और बूंदी। जालोर, सिवाना, बूंदी। जालोर में स्थापना कीर्तिपाल ने, सिवाना से इतिहास मौन है, कोई जानकारी नहीं मिलती। बूंदी में देवा या देवसी। फिर जालोर से कहाँ? सिरोही। सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान कहते हैं, और स्थापना लुम्बा ने की। बूंदी से कहाँ? कोटा, और कोटा में माधव सिंह हैं।
कोटा और बूंदी के चौहान हाड़ा चौहान कहलाते हैं, जबकि अपना दूसरा पार्ट है अजमेर अजयराज, यहाँ से मात्र एक ही पार्ट कौन सा रणथंबोर, और रणथंबोर में कौन गोविंद राज यहाँ का संस्थापक कहलाता है। एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, देखिएगा कि कुल देवी की यदि अपनी बात करें, कुल देवी तो कुल देवी शाकंभरी माता अपने पहले भी बात कर चुके हैं। अब आपने ध्यान रखना है, सीधा प्रश्न चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, किंतु यदि स्थान का नाम जुड़ जाता है फिर आपने विशेषतः ध्यान रखना है अजमेर और रणथंबोर के चौहानों की कुल देवी जीण माता। कौन? जीण माता। और यदि बात आए इस पहले पार्ट और इसके नीचे के पार्टों की, तो आशापुरा। अब देखिएगा, आशापुरा नाडोल, आशापुरा सिवाना, आशापुरा बूंदी, आशापुरा कोटा, सिवाय एक को, क्या जालोर में आशापुरा माहोद्रा है? जालोर में आशापुरा माहोद्रा है, बाकी स्थान का नाम और आशापुरा। आशापुरा नाडोल, आशापुरा सिवाना, आशापुरा बूंदी, आशापुरा कोटा, आशापुरा सिरोही, लेकिन जालोर में क्या आशापुरा माहोद्रा। और अजमेर और रणथंबोर की चौहानों की कुल देवी जीण माता, जबकि मूल चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। यानी कि सीधा प्रश्न चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता होगी मित्रों, ठीक है, लेकिन स्थान के नाम से पूछे तो आपको अलग अलग ध्यान रखना है। तो इस चार्ट को यदि आप याद रखोगे तो बड़ा ही ये आसान हो जाएगा इन चीजों को याद रखना। जय हिंद, जय भारत।